हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप साहब। चलिए आज हम पालक का कोफ्ता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पालक को अच्छे से धो के काट लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे बेसन, इसको अच्छे से मिला लेंगे। बेसन धीरे धीरे डालिएगा, एक बार गिन नहीं डालना है। ये ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला, उसी हिसाब से डालें। इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, नमक लास्ट में डालिएगा ताकि स्टफिंग गीली ना हो, धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। कटी हुई मिर्ची इसको भी मिला लेंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। इधर हमने तेल तैयार कर लिया था, अब इसमें हम पकौड़ियों की तरह तलेंगे इसको। आप चाहे तो बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं। अब इसको ब्राउन होने तक तलेंगे। इसको निकाल लेंगे और इसी तरह और भी बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा, एक पिंच हींग, प्याज को डाल देंगे, इसको भून लेंगे, लहसुन, सॉरी भूल गई थी, अदरक, कटा हुआ टमाटर। अब इसको अच्छे से डाल के भून लेंगे। मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब इसको अच्छे से डाल के भून लेंगे। कटी हुई मिर्ची, देखिए मसाला गल गया है, ये देखिए। अब इसमें जिसमें मैंने बेसन मिलाया था वाला पानी डाल देंगे। ऐसी टाइम पे और भी पानी मिला देंगे। पानी अपने हिसाब से मिलाइएगा, जैसे आपको तरी पसंद हो, मोटी पतली, उस हिसाब से डालें। नमक ध्यान रहे, नमक मैंने कोफ्ते में भी डाल रखा था, उसी हिसाब से डालें। अब इसको उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। ये देखिए उबाल आने लग गया है। अब इसमें हम पकौड़ियों को डाल देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब इसको ढक देंगे। ये देखिए मेरी सब्ज़ी पक गई है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो टाइम पे पहुंचती रहे। थैंक यू।